66 रिद्धियों के माध्यम से आत्मा की शक्तियों पर चर्चा हुई कि आत्मा में अनंत शक्ति है। वो प्रकट कैसे होगी? तो स्टोप देश के 36वें श्लोक में जो बताया था कि चित्त में राग द्वेष का जो विक्षेप है और जो कषायों के कारण से विचार उठते रहते हैं, उन सब विचारों को एकांत में जाकर शांत किया जाता है। कहाँ जाकर शांत किया जाता है? एकांते तत्व संस्थिति, एकांत में जाकर तत्वों का चिंतन करते हुए, तत्वों में स्थित होकर के, तत्वों का चिंतन करके मन को, आत्मा को, चित्त को शांत किया जाता है। और जब चित्त शांत हो जाता है तो शक्तियाँ प्रकट होने लगती हैं। वर्तमान समय में चित्त की चंचलता बढ़ रही है। पता नहीं आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया, वर्तमान समय में चित्त की चंचलता बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और चित्त की चंचलता जितनी ज़्यादा होगी, दुख उतने ज़्यादा होंगे। स्थिरता जितनी ज़्यादा होगी, सुख उतना ज़्यादा होगा। घर में जितना सामान होता है उतने विचार होते हैं, जितना परिवार होता है उतने विचार होते हैं, ठीक है ना? जितने मोहल्ले में लोग होंगे उतने विचार होंगे, जितने रिश्तेदार होंगे उतने विचार होंगे, जितने तुम्हारे पास में साड़ी ज्वेलरी होगी उतने विचार होंगे। लेकिन अब इन विचारों को, इनकी संख्या को बढ़ाने वाला मोबाइल आ गया है, टीवी आ गई है। अब जो तुम्हारे पास नहीं है तुम उसके विषय में भी सोचते हो, जो तुम ले नहीं सकते हो उसके विषय में भी सोचते हो, जो तुम लेना चाहते हो तुम उसके विषय में भी सोचते हो, जो तुम्हारे घर में है तुम उसके विषय में भी सोचते हो। यदि ज़्यादा से ज़्यादा लोड बढ़ा है तो शरीर के कपड़े तो हल्के हो गए मगर दिमाग पर बोझ बढ़ गया। शरीर के कपड़े भारी हो जाएंगे तो इतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन दिमाग पर यदि विचारों का बोझ ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। पहले के समय में बहुत हल्केपन में जीते थे, कपड़े तो भले भारी पहनते थे, ज्वेलरी भी बड़ी भारी भारी पहनते थे, लेकिन दिमाग पर बोझ कम होता था, बहुत कम होता था। विचार उतने थे ही नहीं, गाँव में रहते थे, आधे लोगों के पास तो चप्पल भी नहीं होती थी। जो सेठ परिवार होता था चप्पल भी उन्हीं के पास होती थी, चप्पल ही नहीं होती थी। तो जितना सामान कम उतने विचार कम, उतना दिमाग पर बोझ कम, और जितना ज़्यादा विचार बाहर की चीज़ें ज़्यादा उतना दिमाग पर लोड ज़्यादा, और जो जिस पे वजन पड़ेगा वो बीमार हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा? पहले के समय में कभी डिप्रेशन की बीमारी सुनी थी आपने? आज से 25-30 साल पहले, 40 साल पहले डिप्रेशन नाम की बीमारी होती नहीं थी, मैंने तो नहीं सुनी थी। 40 साल पहले तक तो मैंने नहीं सुनी थी कि कोई डिप्रेशन नाम की बीमारी भी होती है, नाम ही नहीं सुना था। और अब जिसे देखो वो डिप्रेशन में है। हमारे बड़े बूढ़े तो फिर भी सहन करने की क्षमता रखते हैं, मगर आजकल के बच्चे ज़्यादा डिप्रेशन में आ रहे हैं। भाई क्यों आ रहे हैं? कारण मैंने बता दिया, जितना लोड ज़्यादा। अब आप सोचो, आपको यदि मंदिर जाना है तो दिमाग पे लोड पूरा है, मैचिंग की चप्पल, मैचिंग की साड़ी, मैचिंग की चूड़ियाँ, मैचिंग की लिपस्टिक, मैचिंग का वो बाल में लगाने वाला, मैचिंग की घड़ी, मैचिंग का वो साड़ी में लगाने वाली पिन,
तो जितनी चीजें होंगी उतनी जगह दिमाग पर लोड आएगा नहीं आएगा। और पहले के लोग कोई मैचिंग का चक्कर नहीं था, मोटी सी साड़ी पहन लेते थे, आराम से दुपट्टा डाला ऊपर, अंग वंग दिखते नहीं थे, आराम से जाते थे, न दिखाने की भावना न दिखने की भावना, प्रभु के दर्शन के लिए जाते थे। अब मंदिर कम लोग जाते हैं, खुद को दिखाने के लिए ज्यादा जाते हैं। बोलिए ऐसा है कि नहीं? कितने जोड़ी कपड़े होंगे आपके पास? जितने हैं उतनों का विकल्प, और जितने खरीदने हैं उतनों का विकल्प। पहले घर में एक छोटा सा शीशा होता था, बस अपनी शक्ल देखी, बिंदी लगाई और चल दिए। अब यहाँ तो एक एक बाल जमाया जाता है आईने में देख करके, साड़ी की एक एक प्लेट जमाई जाती है यदि साड़ी पहनोगे तो। यदि पहले प्रेस की भी फैशन नहीं थी, आज से 40 साल पहले मैंने देखा था कि प्रेस नहीं होती थी। ज़्यादातर लोग जो बहुत बड़े ऑफिसर होते थे, बहुत बड़े लोग होते थे, बस वही कपड़ों में प्रेस करते थे। अब तो घर में खाने को भले ना हो मगर कपड़े प्रेस के चाहिए। पेट भूखा रह जाए तो चल जाएगा, मगर ब्यूटी पार्लर जाए बिना चलने वाला नहीं है। मैंने आपको बताया था कि एक परिवार, एक जगह मेरा चतुर्मास था तो एक परिवार की एक महिला आई, बोले माता जी हमारे पति नहीं है, और मैं किसी मंदिर के सामने अजैन थी, किसी मंदिर के सामने वो छोटी छोटी किताबें जो होती उनके धर्म की उसको लगा करके बैठती हूँ और उससे अपना घर का गुजारा करती हूँ। मेरे दो लड़कियाँ एक लड़का है और मैं बड़ी मुश्किल से गुजारा कर पाती हूँ, आप मेरी कुछ सहायता करवा दो। तो संघ में एक भैया थे अपने पास में, तो बूढ़े थे, उनकी पेंशन वगैरह अच्छी आती थी, तो मैंने इशारा किया तो उन्होंने हर महीने उनके घर में पूरा राशन डलवाना शुरू कर दिया। फिर 3-4 महीने के बाद वो महिला अपने बच्चों को लेकर के आई, बोले माता जी एक समस्या आ गई है। मैंने कहा बताओ क्या समस्या है? बोले मेरी ये बड़ी बेटी ये है, अच्छा, बाल खोले, ब्यूटी पार्लर से लौट के आई होगी, कपड़े भी उसी फैशन के हैं, और बोले एक लड़का मिला है शादी के लिए, इससे थोड़ा सा 5-7 साल उम्र में बड़ा है। अब ये मना कर रही है कि मैं इतने बड़े के साथ नहीं करूँगी, उसके पास पैसा भी अच्छा है, धन भी अच्छा है, और यदि इससे शादी हो जाती है तो हमारी सहायता भी हो जाएगी और इसकी शादी भी अच्छे घर में हो जाएगी। लेकिन ये नहीं मान रही है, घर में खाने को नहीं है, खाने के लिए दूसरा दे रहा है उसको, लेकिन दिमाग के उसके विचार देखो, उसकी इच्छाएं और आकांक्षाएं देखो, किसी हीरोइन से कम नहीं है। ये आजकल का जमाना दिखावा का आ रहा है, और ये दिखावा ही डिप्रेशन पैदा कर रहा है। ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? उसके पास तो ऐसा है, हमारे पास तो 10,000 का मोबाइल है, उसके पास तो 50,000 का मोबाइल है, लोग क्या कहेंगे? तुम्हारे पास मोबाइल भी नहीं है। मतलब दिमाग पर बाहर के दिखावे के और मोबाइल देखने के, उसके अंदर घुसने के इतने ज़्यादा विचार इकट्ठे हो गए हैं कि चित्त की चंचलता बढ़ रही है, लोगों की हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ने लगी। भाई क्यों बढ़ रही है? तुम जितना जितना तेज मोबाइल चलाओगे उतनी तुम्हारे अंदर की नसें चलेंगी, उतना तेज तुम्हारा दिमाग को काम करना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा दौड़ोगे उतनी जल्दी थक जाओगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? वर्तमान समय में बीमारी बढ़ने का कारण तुम खुद हो, कोई दूसरा नहीं है। यदि बीमार हो तो किसी दूसरे के कारण से नहीं हो, खुद के कारण से हो। पहले के लोग अच्छे स्वस्थ रहते थे, सब चीजें बिल्कुल सेट चल रही थीं, लेकिन विकास, विकास होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। यानी वर्तमान समय में यदि विकास का लेबल देखा जा रहा है तो वो लेबल बाहर की चीज से देखा जा रहा है और अंतरंग को छोड़ते जा रहे हैं। और जितना जितना हम खुद को छोड़ते जाएंगे और बाहर जितना दूर जाते जाएंगे हम उतने परेशान होते जाएंगे, और जितना जितना परेशान होंगे, दुखी होंगे, जितनी आत्मा दुखी होगी तो क्या शरीर सुखी रहेगा? शरीर में भी 100 तरह की बीमारियां हो जाएंगी। तो चित्त की चंचलता के लिए क्या करना है? तो राग द्वेष को छोड़ करके, मन को शांत करके, तत्वों को
हृदय में स्थित करके तत्वों का चिंतन करना है, ध्यान करना है। इससे चित्त की चंचलता कम होगी, मन शांत होगा। और जिसका मन शांत है, जिसका मन में सुख है, उसकी आत्मा में सुख है। और जिसकी आत्मा में सुख है तो कुछ नहीं होते हुए भी वो सुखी है। जितना बाहर से मोह जकड़ता जाएगा, आजकल के बच्चे छोटी छोटी चीज के पीछे कितना लड़ते हैं। ये नहीं दिया मम्मी, ये नहीं खरीदा मेरे लिए मम्मी, वो नहीं खरीदा मेरे लिए, तुम ऐसा नहीं करती, उसकी मम्मी देखो ऐसा करती है, उसके पापा देखो उसको क्या दिलवा देते हैं, तुम हमारे अच्छे पापा नहीं हो और तुम हमारी अच्छी मम्मी नहीं हो। अब मम्मी की अच्छे और बुरे की पहचान मम्मी से नहीं है, समान से है। मोबाइल देते हो तो तुम अच्छी मम्मी हो, नहीं देते हो तो तुम अच्छी मम्मी नहीं हो। तुम्हारी इतनी कीमत रह गई, तुम्हारी कीमत तुमसे नहीं है, तुम्हारी कीमत वस्तुओं से है। यानी ये मतलब इनके दिमाग को पकड़ना है कि आज इंसान की कीमत कम हो रही है और वस्तुओं की कीमत ज्यादा हो रही है। आजकल के बच्चों को देखना, एक सेकंड में खुश हो जाएंगे, उनके मन की चीज मिल जाए उछलेंगे, दो दो फिट ऊपर उछलेंगे, और जरा सा कुछ गड़बड़ हो जाए तो दो फिट नीचे चले जाएंगे, यानी रोने बैठ जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे। इतना बाहर से मोह बढ़ रहा। भी एक परिवार आया था 3-4 दिन पहले, तो उन्होंने बताया कि हम लोग 3 बहनें हैं और हमारा भाई नहीं है, हमारे पिताजी के पास बहुत सोना है, तो उन्होंने हम तीनों बहनों को एक एक करधनी बनवा के दी। क्या बनवा के दी? करधनी जानते हो, जो कमर में पहनी जाती है, अब आपके यहाँ जो भी कहते हैं उसको, हाँ कुछ भी बोल दो, नाम कुछ भी बोल दो, चीज एक ही है। और सब समझ गए, समझने का तरीका भी एक ही है, इशारे में समझ जाते, ऐसी चीजों को ज्यादा नहीं समझाना पड़ता है, कमर में पहनी जाती, बस समझ गए सब। तो बोले वो 50 तोला की थी और वो चोरी चली गई मेरी बहन की, और मेरी बहन की वो चोरी चली गई, वो इतनी टेंशन में आ गई, इतनी टेंशन में आ गई, इतना डिप्रेशन हो गया कि उसे ना तो अपने नहाने का ख्याल है कि मुझे नहाना भी है, ना खाने का ख्याल है, ना वो मंदिर जाती है, ना वो किसी से बात करती है। वो ऐसी हो गई है कि अब सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई है। किसके कारण? किसके कारण? वस्तु के कारण। किसके कारण? वस्तु के कारण। इंसान की कीमत ज्यादा है या वस्तु की कीमत ज्यादा है, आप ही बताइए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने उससे मोह ज्यादा किया, उस वस्तु से मोह ज्यादा किया, और इतना मोह कर लिया कि खुद को भूल गई और उसको सब कुछ समझ लिया। उसके बिना भी जिंदगी जी जा सकती है। यदि किसी के पास करधनी नहीं है तो क्या उसकी जिंदगी नहीं होती? क्या उसका जीवन नहीं होता? क्या वो धर्म नहीं कर सकता? क्या वो अपनी आत्मा का उत्थान नहीं कर सकता? क्या करधनी के बिना सुख नहीं मिल सकता? मिल सकता है, लेकिन नहीं, उसने उसको सब कुछ मान लिया, और इतना मान लिया उसको कि अपने दिमाग को, अपने जीवन को खत्म कर दिया। अब उसके लिए वो ही सब कुछ हो गया। तो अपने जीवन से, अपने जीव से, अपनी आत्मा से ज्यादा मोह वस्तुओं से नहीं करना चाहिए। एक बात तो गांठ बांध लो, कोई चीज मिल गई भला अच्छी बात है, नहीं मिली कोई बात नहीं है, ना उसके लिए विकल्प करो, ना टेंशन करो, ना घर वालों से लड़ाई झगड़ा करो, ना आप खुद परेशान हो और ना दूसरों को परेशान करो। क्योंकि तुमसे ज्यादा दुनिया में कीमती और कोई है ही नहीं है। हमारे भावों से, हमारे प्रणामों से, हमारी आत्मा से ज्यादा दुनिया में कोई कीमती हो ही नहीं सकता। ये तो वस्तुएं हैं, आज है और कल नहीं। अब मुझे ये बताओ, वो करधनी चोरी चली गई थी, ठीक है, क्या वो करधनी कभी नहीं छूटती उससे? अरे बोलिए ना, वो करधनी कभी नहीं छूटने वाली थी उससे? छूट जाती। कब छूटती वो? अरे वो जोर से बोलिए ना, जब ये शरीर छूट जाता है तो उस करधनी की कौन सी बात है? बात समझ में नहीं आई कि नहीं? जिस शरीर में ये आत्मा रह रही है, चिपकी पड़ी है,
जब ये शरीर छूट जाता है तो करधनी को तो छूट नहीं छूटना था भाई, कल छूटना था आज छूट गया, कोई बड़ी बात नहीं भाई, जाना था चला गया। इतना मोह मत करो कि तुम्हारी अपनी मनुष्य पर्याय जो तुमने करोड़ों अरबों है पुण्य से खरीदी है, कई जन्मों में पुण्य इकट्ठा किया था तब यह मनुष्य शरीर मिला था, इससे ज्यादा दुनिया में कोई और कीमती हो ही नहीं सकता है। चाहे मोबाइल हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे मकान हो, इससे ज्यादा कीमती कुछ हो ही नहीं सकता है। इन सब चीजों के पीछे दिमाग खराब करना यानी अपनी जिंदगी खराब करना। तो फिर क्या सोचे, सोचना चाहिए जो मिला वो किसी से कम नहीं और जो नहीं मिला उसका गम नहीं, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। यदि इससे ही सुख मिलता तो हमारे तीर्थंकर भगवान बोलिए लेके जाते हैं जंगल में कि छोड़ के जाते हैं, हैं? आपके जैसा महल था क्या, आपके जैसा मकान था क्या उनके पास में, आपसे बढ़िया था महल था उनके पास में? जितना सोना आपके पास में है ना, इससे अरबों गुना तो बरस गया था, दुनिया ने उठा लिया था उनके नाम से, रत्न वृष्टि होती नहीं होती है, दुनिया ने इकट्ठा कर लिया था उनके प्रभाव के कारण से, और उनके लिए तो स्वर्ग से आभूषण आते थे, स्वर्ग से आते थे, और फिर भी सब कुछ छोड़कर चले गए। जब आपके पास कोई चीज ना हो, आपको ना मिल रही हो, आपकी खोज आए, तो आप भगवान के मंदिर में जाकर भगवान को देखकर विचार किया करो कि भगवान आपके पास तो कुछ भी नहीं है फिर भी आप सुखी हैं, मेरे कम पास इतना तो है, मकान है, खाने को है, बच्चे हैं, परिवार है, इतना सब कुछ तो है ना, क्या करना सोने चांदी का, जब आप नहीं पहनते तो मैं क्यों पहनूं? क्या ऐसा विचार हो सकता कि नहीं हो सकता? जब ऐसा विचार हो सकता है कि उसने पहना है तो मैं भी पहनूं, ऐसा विचार जब हो सकता है तो आपके भगवान ने नहीं पहना है तो मैं नहीं पहनूं, ऐसा विचार नहीं हो सकता? यदि देखा सीखी करनी है तो किसी छोटे मोटे की क्या करना, समझ में आई कि नहीं आई? यदि देखा सीखी ही करनी है तो किसी छोटे मोटे की क्या करना, भगवान की करो ना, कि भगवान आपने तो सब कुछ छोड़ दिया, मेरा तो इतना सा चला गया, जाने दो कोई बात नहीं है, भाग का होगा वो भाग कर आएगा और जो भाग कर नहीं होगा वो भाग कर चला जाएगा। किसी भी चीज को कितना पकड़ लो, कितना पकड़ लो आप, यदि तुम्हारे भाग में नहीं है तो उसे वो भाग जाएगा किसी भी तरह से, और भाग में है और तुम पकड़ोगे नहीं तो भी वो चरणों में आ जाएगा, नहीं मुझे ले लो, नहीं मुझे ले लो, अपने पास रख लो। ऐसा विचार करने से मन शांत रहता है, चित्त की चंचलता कम होती है, जीवन में सुख होता है, आत्मा सुखी होती है और धर्म में मन लगता है, और जितनी इच्छाएं और आकांक्षाएं रहेंगी उतना धर्म में मन कम लगता है। इसलिए तत्व संस्थिति, तत्वों में स्थित हो जाओ, यदि इसमें ही सुख होता तो हमारे पास भगवान के पास में कोई कमी नहीं थी। या संसार विषय सुखी होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिवे साधने करते संयमी सो अनुरागे। यदि इसमें ही सुख होता तो भगवान ने छोड़ा क्यों होता? और चक्रवर्ती, चक्रवर्ती को तो जानते हो ना, सुना है, देखा थोड़ी होगा, है ना? चक्रवर्ती क्या क्या होता उसके पास में, 96,000 रानियां होती हैं, 18 करोड़ घोड़े होते हैं, 84 लाख हाथी होते हैं, 9 निधियां होती हैं, 14 रत्न होते हैं, इतना वैभवशाली चक्रवर्ती। और जब वैराग्य आता है तो वो भी सब कुछ छोड़ के चला जाता, कोटि 18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी और 96,000 रानियों को, तुम्हारी कितनी है? अरे बोलिए ना, 2-4 तो होंगी, नहीं 1 है, छोड़ने में दिक्कत तो नहीं होगी? वो भी नहीं छूट रही है, 1 है वो भी नहीं छूट रही है,
आप चक्रवर्ती को देखिए 96,000 छोड़ दी, और आपकी रानी क्या सुंदर होगी जो चक्रवर्ती की सुंदर होती है, और आपकी रानी आपको क्या सुख देती होगी, दिन में 10 सुनाती होगी दिन भर में, और उनकी रानियां तो हाथ जोड़े खड़ी रहती थी, उसके बाद भी छोड़ के चले गए। जब वैराग आता है तो सब कुछ छूट जाता है। अगले श्लोक में यही कह रहे हैं, यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्मुत्तमम तथा तथा नरोचन्ते विषया सुलभापि। जैसे जैसे तत्व समझ में आता है, जैसे जैसे उत्तम तत्व अंदर जाता है, वैसे वैसे बाहर की वस्तुएं छूटते चली जाती है, छोड़ना नहीं पड़ता है, छूटते चली जाती हैं। जितने सुलभ है, सामने सब कुछ है, अब लोग उपवास करते हैं। घर में क्या खाने को नहीं है जो उपवास कर रहे हो? अरे बोलिए ना, उपवास क्यों कर रहे हो? आत्मा की शांति के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए, तपस्या करने के लिए उपवास कर रहे हैं। घर में खाने को है ना, फिर भी आपने छोड़ दिया, इसका नाम है धर्म। जब आप घर में होते हुए सब कुछ खाना पीना और फिर छोड़ देते हो तो उसका नाम उपवास है, और मोबाइल होते हुए और मोबाइल नहीं चलाएंगे तो उसका वो भी तो उपवास ही हो गया। अरे बोलिए ना, उपवास हुआ कि नहीं हुआ? वो शारीरिक उपवास है, ये मानसिक उपवास है। वो शारीरिक उपवास है यानी आपने नियम लिया कि हम चतुर्दशी को ना तो फेसबुक चलाएंगे, ना ट्विटर चलाएंगे, ना और क्या क्या इंस्टाग्राम चलाएंगे, हाँ व्हाट्सएप चलाएंगे, हम चतुर्दशी के दिन मोबाइल नहीं चलाएंगे। केवल नियम इतना है कि जरूरी फोन करेंगे और जरूरी सुनेंगे, बस इतना छोड़ के हम बाकी का त्याग करते हैं। उपवास हुआ कि नहीं हुआ? उतने विचार कम हुए कि नहीं हुए? उतने जितने परिणाम बाहर हमारे जा रहे थे उतने कम हुए कि नहीं हुए? ये भाव उपवास हो गया। आपने क्रोध का त्याग किया कि हम चतुर्दशी को क्रोध नहीं करेंगे, सप्ताह में एक दिन नियम ले लिया कि हम उपवास करते करेंगे, किसका? क्रोध का। किसका उपवास? अरे बोलिए ना, क्रोध है आपके पास में, आप कर सकते हो, लेकिन आपने नियम लिया कि हम नहीं करेंगे, भाव उपवास हो गया। भाई आपके घर में खाने को है और आपने खाने का त्याग कर दिया, इसका नाम क्या है? उपवास। आप क्रोध कर सकते हैं और आपने नहीं किया, भाव उपवास हो गया। अभिमान को छोड़ दिया, मायाचारी को छोड़ दिया, हम सप्ताह में एक दिन कोई चीज खरीदेंगे नहीं, एक दिन नियम ले लो कि खरीदी नहीं करनी है, ना व्हाट्सएप पे करनी है, ना किसी तरह से मोबाइल से करनी, ना बाजार जाना है, एक दिन खरीदी करने का त्याग। ये कितने विचार कम हो जाएंगे। अब तो समय आ गया है विचारों को कम करने का। जितने विचार बढ़ेंगे उतने बीमार रहोगे, तो धीरे धीरे विचारों का उपवास करना शुरू करो। शरीर से उपवास नहीं होता है कोई बात नहीं, आज हम मोबाइल पर किसी से ज्यादा बात नहीं करेंगे, ऐसा नियम ले लो। नहीं होता है ना, बेटी का फोन आ गया, एक घंटा तो वैसे ही निकल जाता है, बेटी का फोन है, एक एक बात अपनी बताएंगे, मेरी बहू क्या कर रही, वो अपनी बताएगी, उसकी सास क्या कर रही है, उनके घर में क्या चल रहा है, एक एक बात सारी सूक्ष्मता से गहराई से निकल निकल के आती है। अरे इतनी देर है दी, एक घंटा धर्म की चर्चा कर लो तो पुण्य पुण्य का बंद हो जाए, जितनी घर की परेशानियां हैं वैसे ही दूर हो जाए। लेकिन जब करते हैं तब पाप का बंद होता है, फिर उस पाप को मोबाइल में बात करके दोहराते हैं, फिर पाप का बंद होता है, डबल पाप कर लिया। फिर पड़ोसन मिल गई तो उससे चर्चा कर ली, मेरी सास ऐसी, मेरी बहू ऐसी, फिर पाप का बंद हो गया। यानी एक एक काम करके जो पाप का बंद करते हैं, चर्चा कर करके 10 गुना पाप का बंद कर लेते हैं। आप सोचो तो सही, जिंदगी कैसे जी जा रही है और जीना कैसे चाहिए। ये चित्त की चंचलता जब बढ़ती है तो पाप होता है, और जब चित्त शांत होता है तो तब ध्यान होता है, पुण्य होता है, आत्मा की याद आती है। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, ठीक है फिर बंद करूं? नहीं करूं? क्या बात है, हमारी बालिकाएं भी बड़े ध्यान से प्रवचन सुन रही हैं। घर में सुनती हो नहीं सुनती हो? सुनती हो, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा सुन करके। यदि बच्चों के अंदर ज्ञान की जिज्ञासा है
यदि बच्चों में हमारे ज्ञान के प्रति जागरूकता है तो निश्चित ही ये गलत मार्ग में जाने से बचेंगे और अपना जीवन सुखपूर्वक जिएंगे। बहुत अच्छा लगा, तो फिर ठीक है समाप्त करूं? नहीं, आपके घर आके सुना दूंगी मैं, क्यों चिंता करते हो, मैं घर आ जाऊंगी आपको सुनाने को, बस आप दरवाजा खोल लेना। खोल लेते हो शाम को, रोज खोल लेते हो, खुला ही रहता है, बहुत बढ़िया। चलिए मैं तीन चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। चलने में पात का, मित्रों में सात का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, और आने वालों में सुनील पेंडारी नागपुर का बड़ा ही महत्व है। आप कई वर्षों से यहाँ पर आते हैं, आज तक टीवी पर चैनल पर स्वस्ति धाम जहाजपुर के बारे में सुना था। हम यहाँ पर मालेगांव से, महाराष्ट्र से आए हैं, पहली बार ही आए हैं, पर आज यहाँ पर आकर हमने सचमुच देखा कि यह स्वर्ग से भी सुंदर नज़ारा आज हम यहाँ महसूस कर रहे हैं। सचमुच यहाँ पर आकर जो शांति मिली है, जो समाधान मिला है, वो मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। मैं सबसे यही निवेदन करना चाहूँगा, जो लोग यहाँ पर नहीं आए हैं वो भी यहाँ अवश्य आए, हमारी तरह वो भी यह पुण्य का लाभ ले, यही मैं सबसे निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि दर्शन को जाऊँ, दर्शन को जाऊँ। अब तक मैं 7-8 बार आ चुका हूँ और रोज मन रहता है कि बार बार जाऊँ, बार बार जाऊँ। अभी लॉकडाउन के चलते नहीं आ पाए, लेकिन अब जब नया मंदिर, भव्य मंदिर देखा है माता जी ने जो निर्मित किया है, ऐसा मंदिर कहीं भारत में नहीं देखने को मिला है। इतने क्षेत्र घूमे हैं लेकिन कहीं भी ऐसा मंदिर निर्मित हमने नहीं देखा। और जो अतिशय इस मूर्ति का है वो हमको रोज बोलता है कि जाओ मुनि सुरतनाथ भगवान के दर्शन करने जाओ, और हम हमेशा खींचे चले आते हैं। पूरे यहाँ की व्यवस्था और यहाँ का जो प्रबंध है उसको देख के मन गदगद हो गया है। आज तक किसी भी क्षेत्र में ऐसा प्रबंध नहीं देखा है। जो सभी से निवेदन है कि जरूर से जरूर इस क्षेत्र पे पधारे और पुण्य का लाभ ले और अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करे, जो आगे अपने पीढ़ी और अपने जैन धर्म का यहाँ तो आगे बढ़ता रहे। नमन होता था, सुबह टीवी पर देखते थे, आज हमारा परम उदय हुआ तो साक्षात दर्शन करने को मिले। मैं चाहता हूँ आप सब लोग यहाँ पर रोज हमें आने की कोशिश करें, और ऐसा तीर्थ बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसी व्यवस्था, ऐसी सुंदरता देख कर आँखों में आंसू तक हुए कि क्या देख लिया, ऐसा तब स्वर्ग में पहुँच गए। माता जी का चमत्कार बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है, हम लोगों के लिए बहुत बड़ा चमत्कार, ऐसा दर्शन बार बार मिले हम यही चाहते हैं। सौभाग्य है कि एक साल में 2 बार मुनि सुरत बाबा भगवान के दर्शन करने मिल गए, और यहाँ की जो व्यवस्था है बहुत अच्छी लगी, और मेरे को यहाँ के दर्शन करके बहुत अच्छे लगे। जय बोलो मुनि सुरत नाथ भगवान की जय। प्रतिमा और जो मंदिर है और जो व्यवस्था है, आप पूरे भारत वर्ष में घूम जाए तो ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं मिलेगी, बहुत ही शानदार व्यवस्था है। और ऐसी व्यवस्था को देखते हुए माता जी, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि युवा पीढ़ी जिसे हमें धर्म से जोड़ना है, अगर ऐसी व्यवस्था सब जगह मिले तो 101% माता जी वो कहीं घूमने फिरने नहीं जाएगी और जिन मंदिर के दर्शन करने के लिए जाएगी। इसके लिए माता जी आपके चरणों में, पूरे समाज की ओर से, मैं सूरत समाज की ओर से आपके चरणों में वंदना करता हूँ कि आप सूरत पधारे माता जी, और हमें भी ये लाभ दें, और पूरे सूरत समाज, पूरा भारतवर्ष और पूरा विश्व मुनि सुतार मंदिर जहाजपुर को अपनी स्मरण शक्ति में याद रखेगा, इतिहास में नाम रहेगा, ऐसी मेरी भावना है। 20 साल बस पहले मुझे यही पता था कि जैनी है, भादो मंदिर जाना है और अक्षत चढ़ाने हैं, लेकिन जब से आपका चौमासा मुरादाबाद में हुआ, जो धर्म की लगन मेरे दिल में जगी है वो निरंतर बढ़ती ही जा रही है। और आज आप सबके सामने मैं आपसे ये प्रार्थना कर रही हूँ कि अभी मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन आज से 10 साल बाद मैं आपके यही चरणों में रहना चाहती हूँ, आपके संग का हिस्सा होना चाहती हूँ। इसके लिए माता जी को और मैं जैन समाज और इस पृथ्वी के प्रत्येक सदस्य की तरफ से बारंबार आभार व्यक्त करता हूँ कि माता जी इतना भव्य मंदिर बनाया और हमें मुनि सुरतनाथ भगवान करने का आज अभिषेक प्राप्त हुआ।
और इसी के साथ मैं बिंडर जैन समाज उदयपुर की तरफ से मैं वंदना भी करना चाहता हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ कि माता जी अब यदि आप यहाँ से विहार करके हमारे उधर पधारे और चातुर्मास के लिए विनती करता हूँ। बार आया हूँ, इस मूर्ति के अंदर इतनी आकर्षण है कि यहाँ पे अगर जो भी कोई एक बार दर्शन के लिए आता है उसको दूसरी बार यहाँ पे आना ही पड़ेगा, ऐसा मूर्ति में आकर्षण है। बाबा बुलाते रहते हैं बार बार कि आओ दर्शन करो, मैं और उनके दर्शन मात्र से ही अपने इतने सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, प्लस माता जी का आशीर्वाद तो बना ही रहता है अपने ऊपर, उसके अलावा भगवान का जो आशीर्वाद अपने ऊपर बना रहेगा वो बहुत 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 पुण्यशाली रहेगी। आते हो और हमको कुछ कुछ ऐसा सिखा के जाते हो जो भाव से हम चीज का नियम ले लेते हैं। आप बोलते टीवी में नियम लो तो हम टीवी में नियम ले लेते हैं, और बहुत सा नियम मैंने टीवी में बैठ के आपके प्रवचन सुन के माता जी मैंने नियम लिए, इसलिए मैं आपके प्रवचन डेली सुनती हूँ माता जी। और साल में फरवरी में मैं आई थी और वापिस अभी आई हूँ, तो आप तो धन्य हो माता जी। बुंदेलखंड की यात्रा कर चुके हैं और करते रहते हैं, लेकिन जो सुकून सुख और शांति यहाँ मिलती है हमें लगता नहीं कि और कहीं मिलती है, और बनने के बाद तो हम पहली बार आ रहे हैं, लेकिन ऐसा हमें अभी कहीं भी सुख शांति प्राप्त नहीं हुई, जो मतलब इतना अच्छा ये कल्पनीय नहीं है ना, माइक का शोभा बढ़ाने की बात बोलने की बात, बट इतने इससे अच्छा कहीं लगा ही नहीं। जय जिनेंद्र। उससे बहुत ही अनुपम मूर्ति है और बहुत ही सुंदर मंदिर है, और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि कहते हैं कि नेता के लिए भाषण का, औरतों के लिए आभूषण का, और जहाजपुर की यात्रा में माता जी के दर्शन का बहुत बहुत बड़ा महत्व है। इतना भव्य ये जहाजपुर का मंदिर हमें लगा, वो उतना कोई तीर्थ नहीं लगा। हम पूरे फैमिली के साथ आए हैं 33 लोगों के साथ औरंगाबाद महाराष्ट्र से, माता जी के दर्शन करके और जहाजपुर जैसे तीर्थ क्षेत्र के दर्शन करके हम धन्य धन्य हो गए। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर, चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। पुकारे कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप, आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की, आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी
जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्धचक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500, 9868345768।